रिसाइकलिंग टीसीसी, टीसीसी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आने पे सबसे पहले लोगों को सिक्योर कीजिए। इसके लिए रिवर्सर को पहले न्यूट्रल पोजीशन में लाइए और थ्रॉटल को आइडल पोजीशन में लाइए। इसके बाद आप ईसीपी पैनल में जाएंगे, वहाँ पे आइसोलेट रन्स इसको आइसोलेट पोजीशन में रखेंगे। इसके बाद आप सर्किट ब्रेकर पैनल में जाएंगे, वहां पर सबसे पहले कंप्यूटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर को ऑफ करेंगे। इसके बाद टीसीसी कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर को चाबी या किसी अन्य साधन के द्वारा आप उसको ऑफ करेंगे। इसके बाद आप 10 सेकेंड तक इंतजार करेंगे। 10 सेकेंड के बाद सबसे पहले टीसीसी कंप्यूटर सर्किट ब्रेकर को, उसके बाद कंप्यूटर कंट्रोल सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। इसके बाद आप फिर ईसीपी पैनल में जाएंगे, वहां पे आइसोलेट रन स्विच को रन पोजीशन में लाएंगे। इसके बाद आप EM2000 स्क्रीन पे जाएंगे, वहां पर अगर एयर ब्रेक पेनाल्टी का मैसेज आ रहा है उसके अनुसार A9 को फुल सर्विस में 10 सेकेंड तक रखेंगे। पेनाल्टी रिकवरी के बाद दिखाया गया मैसेज EM2000 में दिखाई देगा, उसके बाद A9 को रिलीज पोजीशन में ले आएंगे।